जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज, रेल कर्मचारियों की बुलंद आवाज। आज हमारे बीच एक खास मेहमान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनको पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष के सभी ट्रैकमैन साथी तो एटलीस्ट जानते ही है। तो स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। जनवर अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से बधाई का पात्र मानता हूँ और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की तरफ से भी आपको मैं बधाइयां देता हूं, क्योंकि आज दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूं मीडिया तो वैसे बैकी हुई है, लेकिन आपने अपने चैनल के माध्यम से देश के रेल के सबसे बड़े कैडर ट्रैक मेंटेनर के इशू को उठाने का काम किया, इसके लिए मैं आपसे तय दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद मैं अपना परिचय देता हूं। मैं नरेंद्र पांचाल, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं सबसे देश के सबसे शोषित कैडर ट्रैक मेंटेनर के उत्थान के लिए और उसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। भारतीय रेल में कितने जोन में आप AIRTO का गठन कर चुके हैं? वैसे तो भारतीय रेलवे में 70 डिवीजन और 18 जोन हैं, लेकिन इंडियन रेलवे के अधीन केवल 17 जोन आते हैं, लेकिन 17 में से 15 जोन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर के अधीन कार्यरत हैं, जो कि एक बहुत ही विशालकाय रूप मानता हूं, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो भारत का जाने माने फेडरेशनों में काउंट किया जाता है, वो भी अपने जोनल सतर पर केवल और केवल 11 जोन में ही काम कर रहा है, जबकि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन पूरे 15 जोन में काम कर रहा है। आपकी उपलब्धि उस हिसाब से तो बहुत अधिक है, लेकिन ज्यादातर ट्रैकमैन साथियों का एक शिकायत आपसे ये रहता है कि आप किसी का फोन नहीं उठाते हैं, किसी को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आप अपने कार्य को बखूबी रूप से नहीं निर्वाहन कर पाते, इसके पीछे क्या कारण है या इसके लिए आप क्या सफाई देना चाहेंगे? इसमें ऐसा अंसारी जी, सफाई तो मैं क्या दूं, सबसे बड़ी बात आप देखिए, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का शाखा सचिव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो भी पदाधिकारीगण हैं, समस्या सभी की सेम है, सभी के परिवार हैं, खुद की ड्यूटी भी करते हैं, लोगों के विश्वास के पात्र, उनके कल्याण के लिए समय भी निकाल रहे हैं, और शायद मेरी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन में ऐसा चाह रहा हूं कि हर रोज 5 से 6 चारा सीट का जवाब देता हूं लोगों का, उनका वेलफेयर करता हूं, जो समस्या रहती है और जिस अधिकारी लेवल की रहती है उस अधिकारी से मैं डायरेक्ट बात भी करता हूं। और रही पदाधिकारियों की बात, तो मैं मानता हूं कि पदाधिकारियों से ज्यादा तवज्जो मैं अपने आम ट्रैक मेंटेनर भाइयों को देता हूं, क्योंकि पदाधिकारियों से ज्यादा समस्या उनको रहती है, इसलिए ऐसा तो कोई इशू है नहीं कि मैं फोन कॉल मेरे पास कोई करे और मैं उसको उठाऊं नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अच्छा, आपसे एक ये सवाल है कि भारतीय रेलवे में ट्रैकमैन का दो कैडर बन गया है, एक आपका ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन है, दूसरा RKTA रेलवे कर्मचारी ट्रैकमैन एसोसिएशन, दोनों अपने आप को ट्रैकमैन का सच्चा हितैषी बताते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रियल में सच्चा हितैषी कौन है? देखो, ये तो वही बात होगी ना कि जो दूर बैठा होता है उसको बोला जाता है ना, किसी की थाली में खाना ज्यादा दिखाई दे। अपनी मियां मिठू बनने से पहले मैं बताना चाहूंगा सभी साथियों को जो इस चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे, जो RKTA एक एसोसिएशन है, उसने जो अपना बायला तैयार किया है, उसके महामंत्री जो जो कोई भी है, कोई गणेश्वर राव करके, कोई वीरवी करके हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात पहले से ही डाली हुई थी कि वो आजीवन काल तक इस संस्था के सदस्य बने रहेंगे, जबकि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन एक लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया संगठन है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी प्रतिस्पर्धा, हिस्सा लेना, योग्यता दिखाने का पूरा पूरा अवसर है। मेरे से पहले, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव जी से और आज हम हैं, तो हमारे इधर इलेक्टेड और सिलेक्टेड की प्रणाली चली आ रही है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई व्यक्तिगत मसला है या फिर अपने सतर पर हम संगठन चला रहे हैं। रही संगठन की उपलब्धियां, तो अपने सतर पर आज जो हमने स्पीच रखा, उस स्पीच में बताया कि कम से कम 11 से 12 प्रकार की हम समस्या हमारे ट्रैक मेंटेनर भाइयों की पूरी करवा चुके हैं। आप RKTA वालों से इतना रुड क्यों रहते हैं, इतना नाराज या इतना खफा क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वो भी तो ट्रैकमैन के लिए काम कर रहा है। देखो, इसमें दो चीजें हैं, और रही बात मेरी, जब से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी संभाली थी, एक बार हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर RKTA वालों ने अपनी मीटिंग रखी थी, और स्पेशली वीरवि को मैंने एक बात बोली थी कि भाई, अगर हमारा उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। लेकिन क्या होता है दोस्त, जिसके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनको कुर्सियों पर बैठने का शौक होता है, उसको कैडर से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि वो NFIR को अपना समर्थन दे चुका है,
आप जानते हो देश में जितने भी रेल कर्मचारी हैं सभी के सभी AIRF और NFIR से खपा है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक जितनी भी मांगे रही, चाहे वो 26,000 बेसिक की हो, चाहे वो NPS रद्द कराने की हो, चाहे वो निजीकरण पर रोक लगवाने की हो, उन सभी चीजों से दोनों फेडरेशन फेल रही। उस पर कोई भी वो अपना कार्य नहीं कर सकी और आज भी वो वर्तमान में फेल ही हैं, लेकिन केवल और केवल कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। और ऐसे गुमराह करने वाले संगठनों के साथ RKTA यदि खड़ा होता तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा ट्रैक मेंटेनर का विरोधी और फायदा लेने वाला एकमात्र संगठन RKTA ही है। जी तो ट्रैकमैन साथियों, आपको डिसाइड करना है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन यूनियन है या फिर रेलवे कर्मचारी ट्रैकमैन एसोसिएशन है। आपसे एक बात और बोलना चाहूंगा आपको, जहां पर एक मंच पर आने की बात है तो RKTA के गणेश्वर राव वीरवि से 15 मार्च को कंपाउंड तरीके से हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर एक बैठक किया था। उस बैठक में यह डिसीजन लिया गया था कि क्यों ना हम सभी मिलकर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन का निर्माण करें, जबकि न कि RKTA का। लेकिन वीरवि ने, गणेश्वर राव जैसे लोगों ने मिलकर अपना केवल और केवल 2 दिन के अंदर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया। इससे साफ लगता है कि वो केवल अपने लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए लड़ने के पीछे मकसद है कि संविधान में अपने आप को आजीवन काल तक नेतृत्व करता बनाए रखना। इससे साबित होता है कि वो केवल और केवल सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, न कि कैडर के पीछे भाग रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है, आपका ख्याल और विचार बहुत ही उम्दा लेवल का है। आपसे एक सवाल यह है कि भारतीय रेल में जो ट्रैकमैन है सबसे ज्यादा संख्या ट्रैकमैनों का है, उसके बावजूद भी आज के डेट में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित वंचित ट्रैकमैन ही है, इसके लिए आप मुख्य रूप से किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसमें जिम्मेवार मैं रेलवे बोर्ड को भी मान रहा हूं और हमारी फेडरेशनों को भी, और दूसरा खुद हमारे कर्मचारी भी उसमें शामिल है, क्योंकि हर फेडरेशन हर यूनियन साल में एक बार अपना अधिवेशन रखती है, उसमें ओपन सेशन रहता है। उसमें क्या रहता है कि हर कर्मचारी मंच पर आए और अपना प्रस्ताव रखे और अपनी बात रखे और जो उनका मुख्य डिमांड है उससे सभी साथियों को यूनियनों को अवगत करवाए। आज हमारा पिछड़ने का कारण है, हमारी जो मान्यता प्राप्त संगठन है वो हमारे रेलवे बोर्ड को जाकर बोलते कि श्रीमान जी यदि आप 1 रुपया 4 लाख कर्मचारियों में डिवाइड करोगे तो आपको 4 लाख देना पड़ेगा, और वही एक रुपया यदि आप 50,000 के कैडर को दोगे तो आपको 50,000 देना पड़ेगा, 4 लाख दोगे तो आपको 3.5 लाख रुपए का नुकसान होगा, जो कि एक बनिए वाली भाषा है जिसे रेलवे बोर्ड भी आसानी से समझ सकता है और एक आम पब्लिक भी अच्छी से समझ सकती है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आज हम प्रत्येक लाभ से वंचित हैं, तो उसका सबसे मुख्य कारण है हमारे मान्यता प्राप्त संगठन और रेलवे बोर्ड का हमारी तरफ कोई किसी भी प्रकार का ध्यान न देना। रेलवे बोर्ड में ध्यान देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अभी तक रहा श्री माननीय CRB साहब अश्विनी लोहानी जी का। उनके कार्यकाल में ट्रैक मेंटेनर के बहुत सारे कार्य हुए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बार बार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही हमारे जो पूरे CRB साहब रहे अश्विनी लोहानी जी, वो बार बार CRB हमारे बनते तो शायद मैं मानता हूँ ट्रैक मेंटेनर का उद्धार हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा यूनियन का लीडर भी और हमारा ट्रैक मेंटेनर भाई भी जहां शोषित होता है वहां पर एक छोटे से छोटा SSC और अपर लेवल का DRM तक जाके ये बोलता है कि जाओ अपने CRB लोहानी जी से अपना केस सॉर्ट आउट करवाओ। ये बहुत बड़ा इशू है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, वो हमारे लिए एक भगवान थे और ऐसे आदमियों को धरती पर मैं कहता हूं स्वर्ग की प्राप्ति हो जब भी जब तक जिए, जी जान से हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जी तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, ट्रैकमैन की स्थिति सुधरे, ट्रैकमैन का कल्याण हो, वो भी अपने मान सम्मान और हक को पा सके, उसके लिए ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन की आगे की रणनीति क्या है, आप इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किए हैं? देखो ऐसा है, एकमात्र ट्रैक मेंटेनर के लिए ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का गठन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विकल्प था और उसके ऊपर हमने जीत भी हासिल की। इस ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्ट्रेशन होने पर हमने अपने स्तर पर अपने दिल्ली डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो 8 घंटे ड्यूटी करवा लिया, प्रत्येक गेट पर सुरक्षा जाल मुहैया करवा लिया, CCTV कैमरे लगवा लिए, RPF की पेट्रोलिंग स्टार्ट करवा ली, सेफ्टी शूज दिलवा दिए, रिस्क अलाउंस हमको मिल गया। मैं मानता हूं कि हमको मान्यता की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसके माध्यम से हम कैसे नहीं बोल सकते कि हमारा संगठन ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है और आगे आने वाली रही रणनीति
हम न केवल प्रमोशन के लिए लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी हमारे ट्रैक मेंटेनर भाई जो रन ओवर हो जाते हैं, जिनका परिवार से नाता टूट जाता है, जो निर्भर जो परिवार को छोड़कर केवल रेलवे के भरोसे चले जाते हैं और रेलवे फिर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे इस बात का शंका रहेगी कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन आपके चैनल के माध्यम से एक डिमांड रखता है कि रेलवे बोर्ड को, कि यदि हमारा ट्रैक मेंटेनर साथी ऑन ड्यूटी रन ओवर होता है तो उसके परिवार को सहायता राशि के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपए की ग्रेच्युटी दी जाए। ट्रैकमैन साथियों, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, आप लोग 5 से 7 मिनट से लंबा वीडियो देखने में शायद बोर हो जाते हैं क्योंकि आपका दिन टिकटॉक और फेसबुक पे माध्यम से गुजरता है, इसलिए मैं आपका ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू करवाऊंगा पार्ट टू में। देखते रहिए, इस चैनल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल इतना बड़ा हो, इतना बड़ा मंच हो जाए कि आपके समस्या को आने वाले दिनों में मैं किसी मंत्री, विधायक, सांसद, किसी के पास जाके इंटरव्यू ले सकूँ। उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को आप पूरे भारतीय रेल